जब तानाशाह किसी देश पर शासन करें तो कानून का शासन मजाक या कागज का पुलिंदा बन जाता है। आज देश में यही हो रहा है। हिंदुस्तान का संविधान और उसकी मर्यादा अपराधियों की जंजीरों की बेड़ियों में कैद है। देश का कानून जीप के टायरों के नीचे रौंदा जा रहा है। न्यायपालिका और उसके निर्देशों और भावना को जानबूझकर और षड्यंत्रकारी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, और यहां तक कि न्यायपालिका का भी सत्ताधारी दल की पुलिस और सीबीआई से विश्वास उठ गया है। तो जब संविधान बेड़ियों में हो अपराधियों की, कानून जीप के टायर के नीचे हो, न्यायपालिका का पुलिस और सीबीआई से विश्वास उठने लगे, तो देश में अराजकता फैलेगी या नहीं, सवाल ये है। देश की कानून व्यवस्था का रखवाला कौन है? देश का गृह मंत्री। और देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा ही जब अपराधी हो और पुलिस उससे पुलिस के दामाद जैसा व्यवहार करे, वो शासन और प्रशासन का दामाद बन जाए, पुलिस के दामाद जैसा उससे व्यवहार हो, तो अपराधियों को पकड़ेगा कौन और संविधान और कानून लागू करेगा कौन? सवाल ये है। देश के गृह राज्य मंत्री हैं तीनी महोदय, अजय टेनी, और इन अजय टेनी महोदय जो हैं, इनका बेटा हत्या का आरोपी है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे दामाद बनाकर नोटिस थमा रही है कि आपसे हाथ जोड़कर विनती है, हत्या के आरोपी महोदय, आप आइए और हो सके तो तकलीफ लेकर पुलिस स्टेशन में तशरीफ ले आइए। ये सब जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में फायरिंग भी हुई और फायरिंग से भी हत्या हुई, पर देश की सरकार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहती है खोल तो बरामद हुए हैं, हो सकता है निशाना ठीक ना लगा हो। यह मैं नहीं कह रहा, यह देश की सरकार ने आज देश की सुप्रीम कोर्ट में कहा कि फायरिंग के खोल तो मौके से बरामद हुए हैं, हो सकता है निशाना ठीक ना लगा हो किसानों की हत्या के मामले में, किसानों पर हत्या का। दोस्तों, यह कैसा देश बन गया है? और एक और संयोग है या प्रयोग, ये तो मोदी जी बताएंगे, पर जरूर देखिए कि बेटा हत्या का मुलजिम और बाप हत्या का आरोपी। मैं किसी अपराधी की बात नहीं कर रहा, दाऊद इब्राहिम की या किसी और की, मैं इस देश के गृह मंत्रालय में बैठे आज भी जो साउथ नॉर्थ ब्लॉक में बैठे लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। बेटा हत्या का मुलजिम, बाप हत्या का आरोपी, और मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को देश का गृह राज्य मंत्री बना रखा है, तो कानून और संविधान की रक्षा कौन करेगा? और बेटे को छोड़िए लखीमपुर खीरी वाले को, बाप सीधे सीधे धमकी देता है कि जब मैं देश का गृह राज्य मंत्री भी नहीं था, मतलब कि उस समय भी बहुत बड़ा गुंडा था, और अब तो कानूनी गुंडा बन गया हूं। और कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट भी संदेह के घेरे में है। मैं बहुत जुम्मेवारी से कहता हूं, मुझे पता है आप कहेंगे ये अवमानना का मामला है। दोस्तों, मैं तीन कागज आपको भेज रहा हूं। पहला कागज,
ये वो हत्या का मुकदमा है जिस पर अपील दायर हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये वो कागज है हाई कोर्ट का, मैं इस पे आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। क्रिमिनल अपील 1624 ऑफ 2004, स्टेट ऑफ यूपी बनाम अजय मिश्रा टेनी एंड अदर्स, डेट ऑफ फाइलिंग 19/6/2004, लास्ट लिस्टेड 25 फरवरी 2020। 2004 के बाद मामला 2020 में 25 फरवरी को लिस्ट हुआ था। दोस्तों आप बताइए, आपके दर्शक बताएं, इस देश का हर वो नागरिक जो देश के कानून को मानता है वो बताए, अगर देश के गृह राज्य मंत्री पर 2004 से 2020 के बीच में कितने साल हुए? 17 साल। 17 साल तक अगर मुकदमा हत्या का लंबित रहेगा तो इस देश में कानून कैसे चलेगा? और देखिए, यह अदालत का 12 मार्च 2018 का ऑर्डर है, मैं आपको भेज रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस का नाम है वही, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अजय कुमार टीनी एंड अदर्स। इसमें अजय कुमार टीनी पर हत्या का आरोप चलेगा या नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2018 को यह फैसला आरक्षित रखा था, रिजर्व रखा था। आज क्या तारीख है? 8 अक्टूबर 2021। 3.5 साल बीत गए हैं, 3.5 साल बीत गए हैं, वो फैसला नहीं आया कि अजय कुमार टीनी पर मुकदमा चलेगा या नहीं। हां, अजय कुमार टीनी जरूर देश के गृह मंत्री की गद्दी पर बैठकर साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में देश पर शासन कर रहे हैं। क्या 3.5 साल बाद किसी जज को बहस याद रह सकती है? हमारी यह भी मांग है, मेरी देश के एक नागरिक के तौर पर, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को इसका भी संज्ञान लेना चाहिए जहां उन्होंने बाकी बातों का संज्ञान लिया। एक स्पेशल बेंच 2 दिन में पूरी सुनवाई करे और 20 अक्टूबर को जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा केस सुने तो इसका भी निर्णय आ जाए, कम से कम देश को पता तो चले क्या हुआ। और साथियों, आई टेक क्वेश्चंस। साथियों, आज 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें सुप्रीम कोर्ट में हुई। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवादी हूं एक देशवासी के तौर पर कि उन्होंने कुछ वकील साहेबान की मांग पर सुओ मोटो संज्ञान लिया। वहां कोर्ट ने अदालत सरकार ने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। पहली ये कही कि हमने मुख्य आरोपी को पेश होने का नोटिस दिया है। मुझे बताइए, हत्या के ऐसे कितने मुकदमे हैं जहां पुलिस आरोपी को, हत्या के आरोपी को पेश होने का नोटिस देती है, जाते हैं हथकड़ी लगाकर पकड़कर ले आते हैं। सच्चाई है तो यहां पर, क्योंकि इसलिए कि वो मोदी जी के मंत्री का बेटा है, मोदी जी, ये इसलिए हो रहा है। और दूसरा, अदालत में ये कहा गोली के सबूत ही नहीं मिले, अभी जांच नहीं हुई, आरोपी पेश नहीं हुआ, कोई पुलिस के पास गया ही नहीं, पर यूपी की सरकार ने पहले ही कह दिया कि साहब अभी गोली के सबूत ही नहीं मिले, यानी क्लीन चिट पेश होने से पहले ही दे दी गई। ये पहली बार नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेनगर के केस में भी यही कहा था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वहां भी पहले ही कह दिया था कि कोई जरूरत नहीं है भाजपा के उस विधायक को बुलाने की। और अदालत ने भी 3 महत्वपूर्ण बातें कही जो इस देश की मौजूदा दुर्दशा को दर्शाता है। पहला, उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार सरकार चाहते हैं,
अगर अदालत को आदित्यनाथ भाजपा सरकार के बारे में ये कहना पड़े कि वो गैर जिम्मेदार है, तो क्या उसे एक क्षण भी प्रधानमंत्री को सत्ता में बने रहने का अधिकार है? अदालत ने कहा, ये हम नहीं कह रहे, उन्होंने कहा हम एक जिम्मेदार सरकार चाहते हैं, वी वॉन्ट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। और ये जो नोटिस का खेल चल रहा है, तुम नोटिस दो मैं नोटिस दूंगा तुम लोगे, उस पर उन्होंने कहा कि अगर आरोपी कोई साधारण आदमी होता आपके मेरे जैसा या आपके दर्शकों जैसा, तो भी क्या सरकार का ये रवैया होता? इन दो बातों के बाद क्या ये साबित नहीं होता कि मोदी और योगी सरकारें अपराधियों के साथ खड़ी हैं, संविधान को बेड़ियों में बांधने वाले अपराधियों के साथ आपकी चुनी हुई सरकारें, कानून को टायर के नीचे रोंदने वाले अपराधियों के साथ खड़ी हैं? और फिर अदालत को क्या कहा गया कि हम जजेस के मन की बात समझते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा मुड़कर, ये जजेस के मन की बात नहीं, ये लोगों का संदेश है जो अदालत को सरकार के बहरे कानों तक पहुंचाना पड़ रहा है। और तीसरा यह भी कहना पड़ा कि अधिकारी तो सब आपके अपने हैं, यही दिक्कत है, और सीबीआई भी कोई हल नहीं, कारण आप जानते हैं क्यों। तो दोस्तों, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था, इस देश के कानून और इस देश की पुलिस और सीबीआई, अब वो सब संदेह से ऊपर नहीं। बिल्ली अगर दूध की रखवाली होगी, अगर अपराधी ही एसएचओ होगा और अपराधी का बाप देश का गृह मंत्री होगा, तो फिर कानून कहां से लागू रहेगा और जिंदा रहेगा? हम केवल ये कहेंगे आज इस मन से, मोदी जी, शायद वाजपेयी जी के कहने से 2002 में तो राजधर्म नहीं निभाया, पर यह राजधर्म निभाने की आपकी कसौटी है। 3 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक लखीमपुर खीरी में एक भी हत्यारे को नहीं पकड़ा। निर्दोष जो हैं वो सलाखों के पीछे बैठे हैं, वो श्रीमती प्रियंका गांधी हो या अन्य नेतागण हो, और दोषी टेलीविजन पर खुलेआम इंटरव्यू देते हैं। अब इस देश की ये हालत हो गई है। हमारी एक ही मांग है, बगैर किसी देरी के अजय कुमार टीनी को देश के गृह राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाए और सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस, सीबीआई और प्रशासन तीनों अब जांच के योग्य नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, अब तो देश की सुप्रीम कोर्ट भी अपना संदेह जता रही है। तो ऐसे में केवल और केवल दो सिटिंग जजेस का कमीशन, जैसा महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने कहा, राहुल गांधी जी ने मांग रखी कि फौरन एक 2 सिटिंग जजेस के कमीशन में एसआईटी का गठन करके उनकी देखरेख में 30 दिन के अंदर दोषियों को सजा मिले, तभी इस देश में संविधान और कानून बच पाएगा, वरना इस देश में संविधान, कानून और सरकार तीनों से जनता का विश्वास उठ जाएगा।